सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे मोर पंखी के पौधे के बारे में कि मोर पंखी के जो पौधे हैं उससे क्या फायदा होता है और इसे कैसे लगाया जाता है और मोर पंखी का पौधा यदि सूख जाए तो ये क्या संकेत देता है। देखिए, घर के सजावट में फूल पौधों का अहम रोल होता है क्योंकि इससे घर सुंदर ही नहीं बल्कि हवादार भी बनता है। मोर पंखी जो पौधे होते हैं उसको लगाने का सही तरीका भी होता है। जब भी आप घर में मोर पंखी का पौधा लगाएं तो कभी भी इस पौधे को अकेला नहीं रखें, इस पौधे को हमेशा जोड़े में लगाएं। इससे पति पत्नी का रिश्ता बेहतर होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं आती। इसकी जो सही जगह है लगाने की वो मुख्य द्वार पर लगाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है और इससे घर में कभी पैसों की कमी नहीं आती है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। सौभाग्य वृद्धि होती है इससे, मोर पंखी के पौधे से। शास्त्रों में ऐसे कई पौधों का उल्लेख मिलता है जिनके चमत्कारिक गुण स्वास्थ्य के साथ साथ विपत्ति नाशक और सौभाग्यवर्धक भी माने जाते हैं। तुलसी में मोरपंखी का पौधा है। मोरपंखी का पौधा घर में लगाने से आपके घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और साथ ही ये आपके परिवार को बुरी नजरों से बचाता है। घर पर कोई विपत्ति आने वाली हो तो ये पौधा उसे भी प्रवेश करने से रोकती है और आप मुसीबतों से बच जाते हैं। मोरपंखी का पौधा घर में लगाने से बरकत होती है और परिवार में सुख शांति का वास होता है, लेकिन संपूर्ण लाभ के लिए इसे लगाने में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है जो मैंने आपको बताया कि हम इसे जोड़े वगैरह में लगाएं। कभी भी इसे अकेले मत लगाइएगा और यदि गलती से सूख गया तो इसे हमेशा हटा दिया कीजिए, क्योंकि सूखा हुआ पौधा क्या संकेत देता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे आपको आर्थिक परेशानियां आने लगती है। यदि एक तरफ ये खुशियां देता है, हरियाली जो है खुशियां देता है, तो सूखा हुआ आपको आर्थिक परेशानी में डाल देगा, इसलिए इसे सूखने से बचाना चाहिए। सूखा तो फट से हटा दो, यही इसका नियम है। वास्तु में बताया गया है कि मोरपंखी पौधे को घर में लगाने से और ये बरकत जो होती है वो ऑटोमेटिक शुरू होती है। ऐसा नहीं कि मतलब आप कुछ करोगे ये होगा, ऑटोमेटिक आप काम करना शुरू कर दोगे। अगर आप घर के अंदर मोरपंखी पौधा लगाना चाहते हो तो इसे उस स्थान पर रखें जहां इसके पर्याप्त धूप मिल सके। यह पौधा पर्याप्त धूप में अच्छी तरह से विकसित होता है। वास्तु के अनुसार मोरपंखी पौधे को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसे घर को धन लाभ होने के साथ सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा इससे कई दोष दूर हो जाते हैं। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।